नमस्कार दोस्तों, कैसे आपको इक्विफैक्स कैरी रिपोर्ट मिलेगा और वो भी फ्री में। जिन्होंने पहले सिबिल रिपोर्ट पुल आउट किया है या तो कोई भी क्रेडिट ब्यूरो से रिपोर्ट पुल आउट किया है, उसके लिए ये प्रोसेस बहुत आसान है। फिर भी यहाँ पे एक ही अंतर है दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो से, यहाँ पे डुअल वेरिफिकेशन करना पड़ता है। वो डुअल वेरिफिकेशन कैसे आप करोगे, उसके लिए मैं डेमोन्स्ट्रेशन देके बताएंगे। और जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्रेडिट रिपोर्ट पुल आउट कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं डिटेल प्रोसेस बताएंगे, ताकि उनको भी कोई डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहले आप गूगल सर्च में जाके इक्विफैक्स डालिए। इक्विफैक्स देखे आप सर्च करोगे तो पहला आपको जो साइट आएगा वो है www.equifax.com। इसके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके चलाइए, यहाँ पे आपको और एक साइट दिखाई दे रहा है www.equifax.co.in। ऊपर में जो वेबसाइट है equifax.com, ये इक्विफैक्स का जो पेरेंट कंपनी है उसका वेबसाइट है। और इस वेबसाइट में जाके आप रिपोर्ट पुल आउट करने के लिए कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपको ऐसा डेटा मांगेगा जो अमेरिकन सिटीजन के लिए होता है, तो वहां से आप इक्विफैक्स रिपोर्ट पुल आउट नहीं कर पाओगे। इंडियन सिटीजन के लिए equifax.co.in में जाके रिपोर्ट पुल आउट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये इक्विफैक्स इंडिया का जो वेबसाइट है उनका होम पेज है। होम पेज में आप एक बटन देख रहे हो गेट स्टार्टेड, यहाँ पे क्लिक कीजिए। एकदम ऊपर में देखिए गेट योर फ्री इक्विफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट, इस बटन में क्लिक कीजिए। ये पेज चला आएगा जहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना होगा। आप इससे पहले दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो से रिपोर्ट पुल आउट किया होगा तो वहाँ पे सिर्फ मोबाइल में ओटीपी आता है, मोबाइल ओटीपी वेरीफाई करके आप रिपोर्ट पुल आउट कर सकते हो। मगर यहाँ पे पहले आपको ईमेल आईडी में ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी में जो ओटीपी आएगा वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा, तो आप मोबाइल में ओटीपी भेज के ओटीपी वेरीफाई कर सकते हो। तो पहले आप नाम फिलअप कर लीजिए, उसके बाद ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड ओटीपी कीजिए। ओटीपी रिक्वेस्ट प्रोसेस सक्सेसफुली, आप ईमेल में चेक कीजिए। नॉर्मली जीमेल में जो अपडेट सेक्शन है वहां पे आते हैं इक्विफैक्स सर्विसेज ओटीपी। यहाँ पे देखिए 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड आया है, यहाँ से आप वो ओटीपी लेके यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे आपका सक्सेसफुली ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा, मोबाइल नंबर का जो बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। अब मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालोगे वो मोबाइल नंबर डालिए जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। रजिस्टर्ड मतलब जो नंबर आप लोन लेने के टाइम पे देते हो वही नंबर क्रेडिट ब्यूरो में रजिस्टर्ड होता है। इसके बाद सेंड ओटीपी कीजिए। मोबाइल नंबर पे सक्सेसफुली ओटीपी सेंड कर दिया है। मोबाइल नंबर पे भी 6 डिजिट का ओटीपी आया है 161670। ये ओटीपी सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पेज में चले आओगे यहाँ पे एक पासवर्ड डालने के लिए बताएगा और पासवर्ड उसके बाद कंफर्म करना है। जो पासवर्ड यहाँ पे डालोगे वो मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए और जहाँ पे एक कैपिटल लेटर होना चाहिए मिनिमम, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैं एक पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड कीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जेंडर सिलेक्ट कीजिए, एड्रेस सिटी सिलेक्ट कीजिए, पिन कोड नंबर सही तरह से दे दीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक आईडी सिलेक्ट करना है। अब पैन कार्ड सिलेक्ट कीजिए, पैन कार्ड प्रेफरेबल है क्योंकि पैन कार्ड नंबर आप लोन लेने के टाइम पे देते हो और वो इक्विफैक्स जो क्रेडिट ब्यूरो है वहां पे भी रजिस्टर्ड रहते हैं। आईडी सिलेक्ट करने के बाद आईडी नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, आई एम नॉट रोबोट, यहाँ पे चेकबॉक्स में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो चेकबॉक्स है इसमें टिक कर दीजिए। ये सक्सेसफुली आपका फिलअप होने के बाद फिनिश बटन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ पे कंग्रेचुलेशन मैसेज चलाएगा, योर रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड। अब लॉग इन कर सकते हो इक्विफैक्स साइट में। लॉग इन बटन में क्लिक करते हैं। लॉग इन करने के लिए आपने जो ईमेल आईडी डाल दिए थे वो ईमेल आईडी देना है और जो पासवर्ड आप रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में सिलेक्ट किए हैं वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद लॉग इन सक्सेसफुल आपका लॉग इन हो जाएगा तो ये डैशबोर्ड चलाएगा। इस डैशबोर्ड में आप फर्स्ट रिपोर्ट पुल आउट करने के लिए यहाँ पे रन अ फ्री रिपोर्ट इस बटन में क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। वहां पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होता है जहाँ पे रन योर फर्स्ट फ्री क्रेडिट रिपोर्ट और एक बटन आप देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। योर रिपोर्ट इज जेनरेटेड सक्सेसफुली, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम बिलो लिस्ट, क्लोज कर दीजिए। देखिए रिपोर्ट जेनरेट हो गया है, ये रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए इस एरो में क्लिक कीजिए।
आपका रिपोर्ट सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करके रिपोर्ट को देख लीजिए। उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ में चला आया है। किसी जगह में आपका डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। कैसे आप इक्विफैक्स रिपोर्ट रीड करोगे, कैसे आप इक्विफैक्स रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम रहेगा ठीक करोगे, उसके लिए मैं डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। आपका सिविल रिपोर्ट में या तो क्रिप हाई मार्क, एक्सपीरियंस रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है, एरर है, या तो वहाँ पे स्कोर कम है, कैसे आप स्कोर इम्प्रूवमेंट करोगे, कैसे वो रिपोर्ट रेक्टिफाई करोगे, उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखा हूँ, वहाँ पे आज ही देख लीजिए। आपका सिविल रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप बहुत आसानी से रेक्टिफाई कर पाओगे और स्कोर को भी इम्प्रूवमेंट कर पाओगे, ताकि आपको बहुत आसानी से लोन भी मिल जाए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।